अपनी ज़िंदगी में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है, भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलब ही है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना, उसके लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है, एक डर, ज़रूरत और इंसानियत। ये तीन चीज़ ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। एक टीचर स्टूडेंट में रिलेशन होता है, उसको डर है कि टीचर के पास पढ़ेंगे ना जल्दी रिजल्ट होगा, अपने से पढ़ेंगे थोड़ा लेट हो सकता है। ज़रूरत भी है उसे कामयाब होने के लिए, और इंसानियत तो बहुत है भाई। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो हमेशा जो बना रहता है वो तो इंसानियत के लिए बना रहता है। वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर खत्म, जरूरत खत्म, तो आगे रिश्ता कौन रोक के रखता है? इंसानियत। तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है, इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है। और इस दुनिया में ना, इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे, लेकिन ये जुबान जो है ना आजकल बहुत खतरनाक हो गया है। कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग आपकी आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है, बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बावजूद भी आप जीत सकते हैं, और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ़ कर देता है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होकर चलिए, और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते, अगर समंदर खारा नहीं होता तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना चाहिए। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूँगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है, और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखने चाहिए। समय के साथ अब कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। हम सब की सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज़ कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो दो रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए, यही ना है छोटका, बड़ा होकर क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पर छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होकर कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना, वो बड़ा खुद्दार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नज़र रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में भेजने पढ़ने के लिए, हॉस्टल जाती है बबनी पढ़ने के लिए, हाथ में घड़ी नहीं, और उधर से जब आती है छुट्टी पे तो 3,000 का सोनाटा का घड़ी पहन के, मम्मी पूछती बबनी घड़ी कहाँ से, तो मेरी सहेली गिफ्ट दी है बर्थडे पे। आपको पता चल रहा है उस सहेली गिफ्ट दे रही है, इतना सहेली का गिफ्ट आ रहा है वहाँ पे। आप नज़र रखिएगा, वरना एक दिन आप ही पछताएंगे। पिता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपके दिए पैसे से ही आपका लड़का बिगड़ता है। अगर उसे ज़रूरत 8,000 की है, आप उसे 15,000 देंगे तो जेन्युइन है, एक दिन वो आपका नाम खराब करेगा।
पैसा ही इंसान को ज़्यादा बिगाड़ता है। उसको लिमिटेड दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे एक्सेस दे दीजिएगा तो वो फिर बिगड़ेगा। और माँ अगर बेटियों पे ज़्यादा नज़र नहीं रखेगी तो फिर वो भी बिगड़ेगा। नज़र रखिए जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है, जब कामयाब हो जाएंगे तो उनके अंदर खुद समझ में आ जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है। भौतिकवादी इस समाज में भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, ये सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति है। हम बहनों को भी कहना चाहेंगे, आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप कम खाइए लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बिना हर चीज़ अधूरा है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे कहते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए। अपने आप को कभी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास क्या है हमारे पास क्या है। और एक चीज़ लड़कियों में जो सबसे ख़राब चीज़ होता है, आप किसी कोई लड़की गुस्सा है या नहीं है ये चेक करना है तो आप उससे बस एक गिलास पानी मांग लीजिए। उसके पानी देने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि गुस्सा है कि नहीं। पानी रख के यहाँ पे भाई क्या मतलब बनता है, आप गुस्सा है ठीक है, सब में होते हैं, जहाँ ज़्यादा रिश्ते रहते हैं वहीं इंसान गुस्सा होता है। लेकिन इसका मतलब ये क्या कि दो दिन आपको मनोबल लगेगा। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को बदलिए, ये अच्छी बातें नहीं होती है। लड़कियों लोग को भी थोड़ा सा गंभीर बनिए। होता क्या है कि लोग कहते हैं ना कि एक लड़की को कोई बात अगर कह देंगे ना दूसरे को मत बोलना, वो उसको भी बोलेगी और उसको भी ये बात बोल देगी दूसरे उसको मत बोलना। अब पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा, सबको यही पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है लेकिन सबको पता चल जाएगा। भाई कुछ गंभीरता लाइए, लड़का लड़की सबको कहते हैं। जिंदगी के कुछ राज अपने तक ही रहिए, अपने करीबी भी दोस्त को कुछ खास राज को नहीं बताइए, क्योंकि कुछ करीबी दोस्त को भी ना कुछ करीबी दोस्त होते हैं, फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे तक। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को आप शेयर नहीं कर सकते, घर की चीज़ें हो गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। आजकल इस दुनिया के कुछ दस्तूर हैं, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं, आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं। दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए। और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे एक उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए, तुम्हारे में इतना मेहनत है, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली पोंछते रहिए, तुम ये किया तुम ये किया तुम ये किया। यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को ख़त्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए, बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए। लेकिन बार बार कमियों को नहीं गिनाना चाहिए।